आ गया, पानी आ गया साला, पानी आ गया भाई। वहीं पे शायद मेरे से गलती से मोबाइल रह गया, और मेरे को याद जब आया जब हम आने में लगे जय महाकाल दोस्तों। तो रूम से निकल के हम लोग थोड़ा सा बाहर आए तो बारिश होने लग गई थी। हम लोगों ने सोचा भाई कार रेंट पे लिए जाए, तो कार हमने रेंट पे लेके हम लोग निकल रहे हैं कोई से बीच पे जाइए घूमने की तरफ। तो घूमते हैं आज पूरा दिन, घूमने के लिए आपको ब्लॉग मिलने वाला होगी। कार हमने पड़ी हमें लगभग 2500 रुपये में 2 दिन के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी इडली खाने वाले हैं, और इडली खा के निकलने वाले हैं हम हमारे बीच की ओर, जहाँ पे हम अभी इंजॉय करने वाले हैं, फुल मजे लेने वाले हैं। भैया तो लगे हुए हैं अपने काम में। तो इडली कैसी है? इडली कैसी? मस्त है ना? मस्त मजे आ रहे हैं। अभी तो गोवा में साला किरकिरा कर दिया, पूरा मजा किरकिरा कर दिया, क्योंकि बारिश होने लग गई वहाँ पे, तो मजा ही नहीं आ रहा भाई। हम लोगों ने फिर भी कार वगैरह करी, थोड़ा सा सुकून है अभी तो। बाकी देखते हैं अभी कौन सा बीच हम लोग घूमने जा रहे हैं, पहले खाते हैं फिनिश करते हैं, जिसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी हम लोग ड्राइव करके आ चुके हैं बीच पे। भैया कौन सा बीच है ये वाला? बागा बीच। भाई अभी तो भाई शांति हो रखी है, कोई ज्यादा माहौल नहीं है, बहुत शांति है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है यार। अभी गोवा में ज्यादा बारिश हो रही है ना, तो इस कारण पे भीड़ भी बहुत कम है, क्लाउड बहुत कम है। बाकी अभी हम लोग तो पहुंच चुके हैं, एंजॉय मारते हैं, मजे लेते हैं भाई, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम तो मैं गोवा आ रहा हूँ, तो फुल मजे करने वाले हैं। अभी नजदीक से देखते हैं भाई, मेरे पैर में लगी हुई है, उज्जैन वाले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मेरा पैर कैसे हो गया, तो और भी ज्यादा घाव पड़ गया वो। तो अभी मैं ज्यादा पानी में जाऊंगा नहीं, ये लोग नहाएंगे तो, बाकी मेरा तो मन नहीं है जाने का। मस्त व्यू आ रहा है यार, देखो समुद्र कैसी लहर उफान मार रही है, ये पानी आ रहा था कमीना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये भाई डरा देता भाई, सच्ची बोलूं तो डर जैसा लगने लगता है। तो जूता मतलब पहले से ही मेरे पैर में लगी हुई है, अगर उसमें पानी चल गया ना, समुद्र का पानी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो मौसम भी आप देख लो कितना खतरनाक सा हो रखा है भाई, मौसम पूरा मतलब खराब हो रखा है यार, पानी बारिश कभी भी हो रहा है। हम लोगों ने इसलिए कार रेंट पे ले ली कि अगर इस बीच के अलावा हम और भी कहीं घूमने गए तो वहाँ पे इंजॉय कर सके। बाकी भैया तो हमारे फुल मूड में है, टी शर्ट वगैरह ले लूँ, आके टी शर्ट ले ली, चड्डे ले लिए, फुल मूड में है अभी तो। वो बारिश भी आने लगी हल्की हल्की, हल्की हल्की बारिश भी आ गई है, मन खराब तो हो गया, मन भी थोड़ा सा ऐसा हो गया विचलित सा। बाकी ये बागा बीच है, अभी तो ज्यादा क्लाउड नहीं है, इसके बाद हम देखते हैं कहीं और कोई सा बीच पे जाते हैं। पानी आ गया भाई, पानी आ गया, पानी आ गया साला, पानी आ गया भाई। दिल्ली से भागते हैं अब, हमें थोड़ी देर में तो टी शर्ट टाइप हो जाता रहे, तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं तो एक तो चलने की नहीं बनती और ये भगा रहा है भाई। इस चक्कर में हम लोगों ने कार कर ली है यार, कोई दिक्कत नहीं आए, हम लोग कार में आराम से बैठ सके, क्योंकि कभी भी क्या बारिश हो सकती है, और ये हो ही गई, हर रोज दिन में बारिश हो जाती है यहाँ पे। कल हम लोग बागा बीच पूछे थे, अभी भाई वही कपड़े डाल रखे, क्योंकि भाई समय ही नहीं मिला। तो कल हम कसिनो चले गए थे, तो वहाँ पे अलाउ नहीं था कि हम फोटो वीडियो कुछ भी ले सकते हैं अंदर। तो अभी हम अंजुना बीच आ चुके हैं, मेरे को कंफर्म तो नहीं पता भाई कौन सा बीच है, पर शायद यही होगा, अगर नाम गलत बोल रहा हूँ तो यार देख लेना अपने हिसाब से। बाकी आप लहर की आवाज़ सुन रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, आपको दिखाता हूँ क्या समुंद्र हो रहा है यार, क्या समुंद्र हो रहा है। तो ये भाई ऐसा क्यों पड़ा है, ज्यादा गहरी नींद में लगता है। यह है समुद्र, ये मस्त सारे लोग बैठे हुए हैं, और ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, मस्त मजा है यार गोवा लहरों का मजा लो। भाई ये लोग जाएंगे नहाने, अपना तो बस की नहीं है कि अपन लोग नहाने जा सके, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। अब ये लोग दोनों तीनों जो भी है जाएंगे नहाने, नहाएंगे, ठीक है। माहौल तो गड़बड़ हो गया, फिर से पानी आने लगा यार, बारिश फिर से होने की संभावना हो रही है, देखो मौसम पूरा चेंज हो गया।
कल हम लोग आए थे तो वहाँ पे भी एकदम से बारिश हो गई, आपने देखा होगा वीडियो में। तो बहुत सा कचरा फेंक किया जाता है यार इधर, देखो कचरा 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 ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब जो गंदा पानी जो यहाँ पे, बाकी अच्छा पानी अंदर साफ थोड़ा अंदर है गहरे में। तो ये है पूरा अंजुना ब्रिज। अंजुना बीच से हम निकल के आ गए हैं बागा बीच पे। बागा बीच का कुछ नज़ारा इस प्रकार है। यहाँ पे बारिश हो नहीं रही, वहाँ पे हम अभी पहुंचे तो वहाँ पे बारिश फिर से होने लगी थी। बच्चों ने भी खेल रहे हैं रेत में। और ये पूरा बीच है भाई, यहाँ पे तो फिर भी क्लाउड दिख रहा है। अंजुना बीच पे तो बिल्कुल क्लाउड नहीं था, यहाँ पे तो फिर भी लोग दिख रहे हैं आपको, देख लो थोड़ा यहाँ का माहौल भी सही है। मस्त है यार गोवा में फ्री में घूमने की जगह है। बाकी खाना पीना तो आपको पता है भाई, लगेगा उसमें पैसा लगेगा। बाकी अगर आप टैक्सी अगर बुक करते हो या फिर कार वगैरह रेंट पे लेते हो या बाइक रेंट पे लेते हो तो ये चीज़ है कि आप हर जगह घूम सकते हो एक दो दिन के अंदर। बहुत लंबा चौड़ा ब्रिज बीच है वो, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत से लोग उधर भी खड़े हुए हैं आगे। इधर ज़्यादा भीड़ है, अभी जब हम गए थे वहाँ से थोड़ी ज़्यादा भीड़ है इधर, थोड़ा जगह भी ज़्यादा है इधर और लहर भी कम उठ रही है, ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें नहीं है ना ही पास तक आ रही हैं। ये देखो पानी भाई, एक तो मेरे पैर में लगी हुई है, अगर थोड़ा सा भी गीला हो गया ना ये भाई खारा पानी वाट लगा देगा पैर की। तो गोवा में ये बहुत मस्त जगह है, आप आओ बागा बीच है, सारे बीच घूमने लगता है कि आप डायरेक्ट बागा बीच आओ। और जो बागा बीच के नज़दीक पड़ता है ना, मतलब दो और भी बीच हैं पर बागा बीच जो सबसे बेस्ट बीच है, जो आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आने देगा। यहाँ पे क्लाउड भी आपको मिल जाएगा, मस्त मज़े भी आएंगे फुल। ये देखो यहाँ पे बार वगैरह सब कुछ है लोगों के लिए, पीने खाने के बंदोबस्त पूरा किया गया। जिनको पीने का शौक है ना भाई, वो तो पक्का गोवा है। हम लोग तो हमारा ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग हम लोगों को ड्यूटी करने से रोक रहा है। ध्यान रखिए आप लोग, आप लोगों को बहुत बार बोल चुके हैं आप लोग। भाई ये नज़ारा देख के भाई मेरा भी मन हो रहा है कि कूद जाऊं, पर ये है ना कि मैं जा नहीं सकता यार, पैरों में लगी हुई है, मेरे पैरों में यार बहुत ज़्यादा जलन हो रखी है। बाकी भाई लोग मज़े ले रहे हैं, इनको देख के अपन भी खुश हैं यार। फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे जब पूरा नहाते हुए वीडियो लेंगे, अभी तो भाई अंदर भी जाने के लिए अलाव नहीं है जितना है। बस यहीं पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। रुको यार, कहाँ चल दिए, पूरी बात तो सुनते जाओ कि वीडियो बीच में से कैसे बंद हो गई है। ऑटोमेटिक आधी वीडियो दिखा के आधी वीडियो क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। तो भाई क्या हुआ कि जब मैं पंजी पहुंचा, हम लोग घूमने के लिए जा रहे थे, आपने पिछले थोड़ा सा पीछे आपने पार्ट देखा होगा भाई, एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से माइंड ना सबका खराब हो गया था कि भाई करना क्या अब क्या, मतलब थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो भाई तो मैंने वीडियो बनाना कंटिन्यू करा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था भाई, मैं तो अपने एंजॉय कर रहा था। हाँ भाई हुआ था एक्सीडेंट, तो स्कूल साइड में रख के गोवा गया, गोवा घूम रहे थे भाई मजे से अपन लोग। भाई पंजी जैसे ही हम लोग पहुंचे, फोटोज वगैरह हमने लिए, वहाँ पे घूमे थोड़ा बहुत और शॉपिंग वगैरह की, जिसके बाद भाई हम लोग कहीं चाय पीने रुके थे होटल वगैरह पे, टपरी वगैरह जो भी आप सभी वहाँ के कैफे वगैरह बहुत से आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे रुके और वहीं पे शायद मेरे से गलती से मोबाइल रह गया, वो मेरे को याद जब आया जब हम आने में लगे, तो अब खुद को नहीं पता था भाई मोबाइल कैसा है क्या नहीं है। जो भी आप वीडियो देखे हो ना भाई, ये गूगल ड्राइव में जो ऑटो अपलोड का ऑप्शन आता भाई उस पर हो रखा था, तो जितनी वीडियो आप देख रहे हो ना भाई ये ऑटो अपलोड की है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। मैं अपना मोबाइल खो आया हूँ गोवा में, तो
आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो नए भी ले आएंगे और नए स्ट्रिप कहाँ की बनाऊँ मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताएं नेक्स्ट स्ट्रिप कहाँ की चाहिए।